आज के वीडियो में हम करेंगे आर्टिकल्स की एक्सरसाइज़ किस वर्ड के साथ आर्टिकल ए एन या फिर दी का यूज़ किया जाता है और किन वर्ड्स के साथ किसी भी तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है इस एक्सरसाइज़ को करने के लिए आपको आर्टिकल्स का कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए हमारा एक कंप्लीट वीडियो आर्टिकल पर बना हुआ है उसे जाकर आप अच्छे से वॉच कर सकते हैं ऊपर आई बटन से भी आप उस वीडियो पर डायरेक्ट जा सकते हैं और वीडियो सेक्शन के अंदर जाकर भी आप उस आर्टिकल के वीडियो को कंप्लीट देखकर इस एक्सरसाइज़ को फ़िल कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर तो हमारा पहला क्वेश्चन है कैट हैज़ बीन टॉकिंग टू ब्लैंक कस्टमर हु हैज़ जस्ट कम इन टू ब्लैंक शॉप तो हमारे पहले जो ब्लैंक है कस्टमर से पहले हम यूज़ करेंगे आर्टिकल ए का यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ हमने क्यों किया है इसका आंसर जानने के लिए आप उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं इन टू दी शॉप और सेकेंड वाले में हम फिल करेंगे आर्टिकल डी का तो इसमें आ जाएगा ए और इधर आ जाएगा हमारा आर्टिकल डी नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जॉन यूजेस ब्लैंक इंटरनेट अलॉट तो यहाँ पर जॉन यूजेस द इंटरनेट अलॉट तो सेकंड में हमारा क्या हो जाएगा आर्टिकल दी हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन है शी वेंट टू ब्लैंक जू बट शी डिडेंट सी ब्लैंक मंकीज़ देयर शी हेट्स ब्लैंक मंकीज़ तो हमारा यहाँ पर पहले में हो जाएगा दी जू अब यहाँ पर हम क्यों इस तरह के आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं इसका आंसर आप उस वीडियो में आपको अच्छे से मिल जाएगा तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले आर्टिकल्स का जो यूज़ेज है उस वीडियो को अच्छे से चेक कर लीजिए और यहाँ पर भी हम फिल करेंगे आर्टिकल डी और यहाँ पर किसी भी तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है यू वोंट लाइक दैट रेस्टोरेंट ब्लैंक फूड इज वेरी गुड देयर यहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ करेंगे आर्टिकल दी नेक्स्ट है हमारा पीपल डोंट राइट ब्लैंक लेटर्स डेज दे राइट ब्लैंक ई मेल्स बट आई हैवेंट रिटर्न ब्लैंक ई मेल्स फॉर एजेस तो फिफ्थ का पहला जो यहाँ पर ब्लैंक है इसमें किसी भी तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं होगा सेकेंड वाले में भी किसी भी तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं होगा और थर्ड में यूज़ होगा आर्टिकल एन क्लियर है बात नेक्स्ट हमारा है इन इंग्लैंड यू मस्ट गो टू प्लैंक स्कूल अंटिल यू आर एटीन तो इस सेंटेंस के अंदर किसी भी तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा वेल मै री हीस ब्लैंक फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स ब्लैंक ईजी वन तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक के अंदर आर्टिकल डी का यूज़ किया जाएगा और सेकेंड नंबर के ब्लैंक के अंदर आर्टिकल एन का यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरी वर्क्स इन ब्लैंक ऑफिस इन ब्लैंक सेंटर ऑफ लंडन तो एट नंबर का पहला जो ब्लैंक है इसके अंदर एन का यूज़ होगा एंड सेकेंड ब्लैंक के अंदर आर्टिकल डी का यूज़ होगा और थर्ड ब्लैंक के अंदर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं लिया जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की अगर हम बात करें तो ही लिव्स इन ब्लैंक अपार्टमेंट इन ब्लैंक मिडिल ऑफ ब्रोंक्स तो नाइन के आंसर की बात करें तो फर्स्ट में हमारा हो जाएगा आर्टिकल एन और सेकेंड नंबर में हमारा आ जाएगा आर्टिकल डी और थर्ड नंबर में हमारा आ जाएगा आर्टिकल डी इस तरह से तीनों ब्लैंक कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स से दैट ब्लैंक वुमेन लिव लॉन्गर देन ब्लैंक मैन और ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आंकड़े कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा जीवन व्यतीत करती हैं यानी कि ज़्यादा लंबा जीती हैं तो यहाँ पर दोनों ही ब्लैंक के अंदर किसी भी तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा क्लियर हो गई बात ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैन यू डिस्क्राइब ब्लैंक रिस्ट वॉच दैट एमी फाउंड वेल आई ओनली नो दैट इट हैड ब्लैंक मेटल बैंड तो इलेवन नंबर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले ब्लैंक के अंदर आएगा आर्टिकल दी और सेकेंड वाले ब्लैंक के अंदर आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ की अगर हम बात करें जमेका इज ब्लैंक आइलैंड इन ब्लैंक कैरिबियन सी तो यहाँ पर पहला वाला जो ब्लैंक है इसके अंदर आर्टिकल एन का यूज़ होगा और सेकेंड वाले के अंदर आर्टिकल दी का यूज़ होगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन ही चोज ब्लैंक स्कूल दैट हैज ब्लैंक बेस्ट टीचर्स तो थर्टीन नंबर का फर्स्ट जो है इसके अंदर आर्टिकल आएगा हमारा ए और आर्टिकल जो सेकंड वाला ब्लैंक है इसके अंदर आएगा हमारा आर्टिकल द 14 नंबर आई सॉ ब्लैंक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री ऑन ब्लैंक टी ब्लैंक अदर डे तो यहाँ फोर्टीन नंबर के फर्स्ट में आएगा, आएगा आर्टिकल एन और सेकेंड में आएगा यहाँ पर ओमिशन यानी कि कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा एंड थर्ड के अंदर यूज़ किया जाएगा आर्टिकल दी का क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की अगर हम बात करें आई डोंट लाइक ब्लैंक म्यूजियम्स आई नेवर गो टू एनी वेन आई एम इन ब्लैंक लंडन तो यहाँ पर पहले के अंदर किसी भी तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं होगा सेकंड वाले के अंदर भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा माई डैड थैंक्स ब्लैंक इटालियन फूड इज़ बेटर देन ब्लैंक स्पेनिश फूड सिक्सटीन नंबर के दोनों ब्लैंक्स में किसी भी तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा सेवनटीन नंबर आई लाइक ब्लैंक कॉफी बट आई डोंट लाइक ब्लैंक कॉफी दे मेक एट ब्लैंक ऑफिस तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर के ब्लैंक के अंदर किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं आएगा सेकेंड वाले ब्लैंक के अंदर आर्टिकल दी का यूज़ किया जाएगा और थर्ड ब्लैंक के अंदर आर्टिकल दी का यूज़ किया जाएगा एटीन नंबर शी हैज़ ब्लैंक जॉब इन ब्लैंक शॉप इन ब्लैंक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक के अंदर आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा और सेकेंड ब्लैंक के अंदर भी आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा और थर्ड ब्लैंक के अंदर किसी भी तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें माई फ्रेंड जोय यहाँ इसे माई कर लीजिएगा आप माई फ्रेंड जोए वेन टू ब्लैंक हॉस्पिटल टू सी हर फादर तो यहाँ पर आर्टिकल दी का यूज़ किया जाएगा वेन टू दी हॉस्पिटल लैरी वेन टू ब्लैंक बेड वेरी लेट लास्ट नाइट तो यहाँ पर 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ब्लैंक में कुछ भी यहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन शी इज़ लुकिंग फॉर ब्लैंक वर्क बट ब्लैंक मोमेंट शी ड हैव एनी होप ऑफ गेटिंग ब्लैंक जॉब यहाँ पर पहले ब्लैंक के अंदर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा सेकेंड के अंदर आर्टिकल दी का यूज होगा और थर्ड ब्लैंक के अंदर आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव ब्लैंक आंट इन सिडनी एंड ब्लैंक फ्यू अदर रिलेटिव इन ब्लैंक न्यूजीलैंड तो यहाँ पर पहले ब्लैंक के अंदर आर्टिकल एन का यूज़ किया जाएगा सेकेंड आर्टिकल के अंदर ए का यूज़ किया जाएगा और थर्ड के अंदर किसी भी तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम वॉन्ट्स टू गो टू ब्लैंक यू एस ए बट ही हैजेंट गॉट ब्लैंक मनी फॉर ब्लैंक ट्रिप तो यहाँ पर पहले के अंदर आर्टिकल डी का यूज़ होगा थर्ड सेकंड के अंदर भी आर्टिकल डी का यूज़ होगा एंड थर्ड के अंदर भी आर्टिकल डी का यूज़ किया जाएगा ट्वेंटी फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है एंजेला इज लुकिंग फॉर ब्लैंक रोमांटिक हॉलीडे समवेयर इन ब्लैंक साउथ तो यहाँ पर पहले ब्लैंक के अंदर आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा और सेकेंड वाले ब्लैंक के अंदर आर्टिकल डी का यूज़ किया जाएगा लास्ट क्वेश्चन है द मैन वेन टू ब्लैंक प्रिजन बिकॉज ही हैड किल्ड टू वीमन यहाँ पर जो ट्वेंटी फिफ्थ नंबर का ब्लैंक है इसमें किसी भी तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और इसकी ये एक्सरसाइज थी और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए तभी आप इस एक्सरसाइज को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे इसी तरह की कंप्लीट ग्रामर को पढ़ते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें थैंक्स अलाट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो